ट्रक से जुड़े हुए सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ट्रक भैया को। नमस्कार, ट्रक भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं दो ट्रकों के बीच में कंपैरिजन का ये वीडियो, जहां हमारा पहला ट्रक होने वाला है महिंद्रा ब्लाजो X49, वहीं पर हमारा दूसरा ट्रक होने वाला है आइशर प्रो 6048। और जैसा कि आपको पता है, हमने शुरू की आपकी फरमाइश, जहां आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आगे आप किन ट्रक्स के बीच में कंपैरिजन का वीडियो देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो की फरमाइश हमसे की थी चंद्रू देवापुर जी ने। तो चंद्रू देवापुर जी, आपकी फरमाइश पर हम लेकर आ गए हैं ये वीडियो। तो आइए देखते हैं कि किसमें कितना है दम। शुरू करेंगे हम उन चीजों से जो दोनों ट्रक में बिल्कुल ही बराबर है, यानी कोई फर्क है ही नहीं। और उसके बाद हम बात करेंगे ऐसी चीजों के बारे में, ऐसे फीचर्स के बारे में जो कुछ 19 और 20 का फर्क रखते हैं दोनों ट्रक्स में, यानी यहाँ पर होगी कांटे की टक्कर। तो सबसे पहले बात करें अगर हम केबिन के बारे में, तो दोनों ही ट्रक्स में हमें डे एंड स्लीपर केबिन देखने को मिलता है। फ्यूल टाइप आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों ही ट्रक्स डीजल से चलने वाले होते हैं। नंबर ऑफ टायर्स यानी चक्कों की संख्या के बारे में अगर हम बात करें, तो दोनों ही ट्रक्स में हमें 16 चक्के देखने को मिलते हैं। गियर बॉक्स की अगर हम बात करें, तो दोनों ही ट्रक्स में 9 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है। एमिशन कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो दोनों ही ट्रक्स में हमें शानदार BS6 का एमिशन कंट्रोल देखने को मिलता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो दोनों ही ट्रक्स में हमें कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोनों ट्रक्स जो हैं 6 सिलेंडर्स के साथ आते हैं। ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दोनों ही ट्रक्स में उपलब्ध होता है। साथ ही साथ दोनों ही ट्रक्स में पावर स्टीयरिंग का विकल्प उपलब्ध होता है, यानी कि अब आपके ड्राइवर भैया की राहें और भी आसान होंगी और थकान बहुत कम होगी। टिल्ट एवं टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग दोनों ही ट्रक्स में उपलब्ध होता है, जिसे आपके ड्राइवर भैया अपनी साइज और पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोनों ट्रक्स में हमें पार्किंग ब्रेक्स देखने को मिलते हैं और इंजन ब्रेक्स दोनों ही ट्रक्स में पाए जाते हैं। तो अब हम आ गए उस मोड पर जहां पर कुछ फर्क होने वाला है दोनों ही ट्रक्स में। तो चलिए जानते हैं क्या है अंतर। अगर हम बात करते हैं वजन की, तो महिंद्रा X49 में 49,000 किलोग्राम का वजन हमें देखने को मिलता है, वहीं पर आइशर 6048 में हमें 47,500 किलोग्राम का वजन देखने को मिलता है। इंजन की अगर हम बात करते हैं, तो महिंद्रा X49 में हमें एम पावर 7.2 लीटर का फ्यूल स्मार्ट इंजन देखने को मिलता है, वहीं पर हमें आइशर 6048 में VEDX 8 CRS 7.7 लीटर का इंजन देखने को मिलता है। इंजन पावर की अगर हम बात करते हैं, तो महिंद्रा X49 में हमें 206 किलोवाट का पावर 2200 राउंड पर मिनट पर देखने को मिलता है, वहीं पर आइशर 6048 में हमें 191 किलोवाट का पावर 2200 राउंड पर मिनट पर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इंजन टॉर्क के बारे में, तो महिंद्रा X49 में हमें 1050 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1200 से 1700 आरपीएम पर देखने को मिलता है, वहीं पर आइशर 6048 में हमें 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1000 से लेकर 1700 राउंड पर मिनट पर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में, तो महिंद्रा X49 में ईटन 9 स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, वहीं पर आइशर 6048 में ईटी 140 S9 ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं व्हील बेस के बारे में, तो महिंद्रा X49 में हमें 6770 मिलीमीटर यानी कि 6.770 मीटर का व्हील बेस देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं आइशर 6048 के बारे में, तो यहां पर हमें 6800 मिलीमीटर यानी कि 6.800 मीटर का व्हील बेस देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं टायर के बारे में, तो महिंद्रा X49 में हमें 295/90 का R20 और 10R20 का टायर देखने को मिलता है, वहीं पर आइशर 6048 में हमें फ्रंट टायर 295/90 R20 का एवं रियर टायर 10R20 का देखने को मिलता है। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो महिंद्रा X49 में हमें 7200 सीसी का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, वहीं पर आइशर 6048 में हमें 7700 यानी कि 7700 सीसी का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करते हैं, तो महिंद्रा X49 में हमें 264 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, वहीं पर आइशर 6048 में हमें 235 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं बैटरीज के बारे में, तो महिंद्रा X49 में हमें 24 वोल्ट की बैटरी देखने को मिलती है,
जो कि 12-12 बोल्ट की दो बैटरीज के रूप में आती है, वहीं पर हमें आइशर 6048 में 24 बोल्ट की बैटरी देखने को मिलती है। फ्यूल टैंक की अगर हम बात करते हैं तो महिंद्रा X49 में हमें 415 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, वहीं पर आइशर 6048 में हमें 350 लीटर का डीजल टैंक, 50 लीटर का एडब्लू टैंक देखने को मिलता है। एयर कंडीशनिंग की अगर बात करें तो महिंद्रा X49 में हमें एयर कंडीशनिंग देखने को मिलती है और आइशर 6048 में हमें एयर कंडीशनिंग का विकल्प उपलब्ध होता है। महिंद्रा X49 में अगर हम क्लच के बारे में बात करेंगे तो 395 mm वाला क्लच देखने को मिलता है, वहीं पर आइशर 6048 में 430 mm का क्लच देखने को मिलता है। रियर एक्सल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो महिंद्रा X49 में हमें सोलो बेंजो टाइप सिंगल रिडक्शन एक्सल देखने को मिलता है, वहीं पर आइशर 6048 में हमें हैवी ड्यूटी फुली फ्लोटिंग सिंगल रिडक्शन 458 mm ड्राइव हेड वाला रियर एक्सल देखने को मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो महिंद्रा X49 में हमें पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर के साथ देखने को मिलता है, वहीं पर आइशर 6048 में पैराबोलिक सस्पेंशन हमें देखने को मिलता है। रियर सस्पेंशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो महिंद्रा X49 में हमें बेल क्रैंक टाइप रियर सस्पेंशन देखने को मिलता है, वहीं पर आइशर 6048 में हमें सेमी इलिप्टिकल स्लिपर सस्पेंशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कीमत के बारे में तो महिंद्रा X49 43 लाख से 48 लाख रुपए के बीच में कहीं आती है और आइशर 6048 42 लाख से 46 लाख रुपए के बीच में कहीं आता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विभिन्न स्थानों पर कीमतों में परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये था इन दो ट्रक्स के बीच में कंपैरिजन का वीडियो ट्रक भैया की तरफ से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। हम मिलते बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।